સુરતમાં આપઘાતની ઘટના વચ્ચે હશીરા ખાતે રહેતા યુવાને તાપીમાં કૂદી આપઘાત કરી લીધો હતો। વાત એમ છે કે સુરતના હશીરા ખાતે રહેતા અને એલએનટી કંપનીમાં નોકરી કરતા મૂળ બિહારના વિશાલ કુમારસિંહે તાપી નદીમાં ગત 17મીએ ઝંપલાવીને આપઘાત કર્યો હતો। શરલઈને તેની શોધખોળ હાથ ધરાઈ હતી। જો કે યુવાનની લાશ મળી ન હતી અને રાત્રિના સમયે યુવાનની લાશ ઉમરા ગામ તાપી કિનારે પાસેથી મળી આવી હતી। શરલઈને પોલીસે યુવાનની લાશનો કબજો લઈ તપાસ હાથ ધરી હતી। તો છેલ્લા 3 વર્ષથી યુવાન એલએનટી કંપનીમાં હીટિંગનું કામ કરતો હોવાનું સામે આવ્યું છે। मेरा नाम सुनील कुमार। सुनील भाई कहाँ आए हो और किस लिए, क्या हुआ? हमारे गांव का एक लड़का था विशाल कुमार, जो 17 तारीख को रात में करीब 10:30 बजे घर से निकला और अभी तक गायब था। तो कल मैंने 19 तारीख को शाम को 5 बजे हम लोग को फ़ोन आया पुलिस द्वारा, जो विशाल करके लड़का उमरा ब्रिज और अपना स्टार मार्केट वाला ब्रिज के बीच में ताप्ती के किनारे पड़ा हुआ है। तो हम लोग को पता चला था, हम लोग वहाँ गए, बॉडी को फ़ोटो भेजा, बॉडी की फ़ोटो देखे तो हम लोग को पहचान में नहीं आ रहा था कि यही लड़का है। लेकिन बाद में लड़का के पर्स से आधार कार्ड और पैन कार्ड मिला तो हम लोग को विश्वास हुआ कि यही लड़का है। इससे पहले हम लोग 17 तारीख के रात में जब वो निकला तो 18 तारीख सुबह में नहीं आया, तो हम लोग कवास पुलिस थाना में गए। वहाँ गए तो बोला कि ठीक है, अभी मौखिक बयान दे दो, आप लोग ढूँढो, तपास करो, इधर उधर कहीं गया होगा। हाँ, तो हम लोग उसी चक्कर में रहे, कंप्लेन लिखा नहीं पाए। हाँ, बाद में कल शाम को 19 तारीख को कल शाम को पता चला कि वो इधर बॉडी पड़ा हुआ है। उसे ऐसा क्यों किया तापी में मुझको? ऐसा कुछ खबर हम लोग को नहीं है। कुछ डिप्रेशन में भी नहीं था। हम लोग परसों 17 तारीख को शाम को मिला था उससे करीब 7-8 बजे। ऐसा कुछ बताया भी नहीं कि जो हमारा कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा बताया नहीं। मम्मी पापा से बात? हाँ, लास्ट में वो 10 बजे करीब मम्मी पापा को कॉल किया। हाँ, वो कॉल करने के बाद वो मोबाइल रख दिया रूम में, मोबाइल से ऑटोमेटिक वो गया। तो रूम पार्टनर ये लड़का रहता था मोनू कुमार करके, वो उसको बताया भी नहीं कहाँ जा रहा हूँ। वो सोचा मोबाइल घर में ही है, बाहर कहीं घूमने गया है, आएगा। लेकिन सुबह तक जब नहीं आया तब हम लोग खोजबीन चालू किए। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 न्यूज़, सूरत।